यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक L2 मॉडल के फिटमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बॉक्स के अंदर हम यूरोपा L2 लॉक और उसके एक्सेसरीज देख सकते हैं। ये है यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक फिटमेंट के लिए आवश्यक उपकरण। ये मार्कर हैं जो यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक दरवाजे पर लगाने के लिए उपयुक्त है। अब हम दरवाजे के फ्रंट पैनल पर मार्कर रखने जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि मार्कर दरवाजे के की हाइट के सेंटर में स्थापित हो। हमें दरवाजे के दोनों फ्रंट और साइड वाले हिस्से पर डॉट पंच के साथ मार्कर के अनुसार प्रत्येक होल के लिए केंद्र बिंदु को मार्क करना होगा। अब हम मार्क के अनुसार दरवाजे पर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसके आकार और साइज मार्कर पर है। ड्रिलिंग के लिए हमें 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर के ड्रिल बिट्स की आवश्यकता है। ड्रिलिंग के बाद हम दरवाजे के थिकनेस वाली साइड पर मोर्टिसिंग प्रोसेस यानी लॉक बॉडी अंदर बिठाने के लिए कैविटी बनाने जा रहे हैं। मोर्टिसिंग प्रोसेस के बाद आपका डोर ऐसे दिखेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक की मोटाइज लॉक बॉडी है। चार डेड बोल्ट और एक लैच बोल्ट है। इस लैच बोल्ट की विशेषता यह है कि यह रोटेटेबल टाइप का है। यह आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं तरफ खुलने वाला या दाईं तरफ खुलने वाला के अनुसार घुमाया जा सकता है। इसे कैसे घुमाया जाता है? यह एक लॉकिंग पिन है जिसे हम इस तरह से घुमा सकते हैं। अब चलिए अपनी उंगलियों के साथ लैच बोल्ट को घुमाएं और छोड़ दें। अब हम मोटाइज लॉक बॉडी को मोटाइज कैविटी में डालने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू को फिक्स करेंगे। अब हम मोटाइज लॉक सिलेंडर को मोटाइज कैविटी में फिक्स करेंगे। सुनिश्चित करना होगा कि यह काला सॉलिड भाग सिलेंडर के साथ सीधा बना रहे।
अब सिलेंडर को दरवाजे के बाहर के फेस से मोटाइज लॉक बॉडी के होल के माध्यम से डालें। जैसा कि यहां हम देख सकते हैं कि मोटाइज लॉक सिलेंडर सही तरीके से रखा गया है। सुनिश्चित करें कि होल दरवाजे के बाहर के फेस पर रहता है। अब इस मोटाइज लॉक सिलेंडर को इसके स्क्रू के साथ ठीक तरीके से टाइट करें। ये हैं यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक के दो पैनल। ये दरवाजे का बाहरी पैनल है जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, आरएफआईडी कार्ड की सुविधा, हैंडल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और मैकेनिकल की खोलने की सुविधा है। पीछे की ओर हम वायर कनेक्टर और हैंडल एडजस्ट मैकेनिज्म देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से लॉक तोड़ने का प्रयास करता है तो उस समय एंटी प्राय थेफ्ट अलार्म सक्रिय हो जाएगा। लॉक का हैंडल आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं हाथ दाईं हाथ के हिसाब से एडजस्ट होता है। इसके लिए हमें यहां इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के साथ यह स्क्रू खोलना होगा। अब हैंडल को उल्टी दिशा में घुमाएं और इसे स्क्रू करें। अब हम दो स्क्रू एक्सटेंडर्स को इस तरह बाहरी पैनल पर स्थापित करने जा रहे हैं। स्क्वायर रॉड में एक स्प्रिंग लोडेड लॉकिंग पिन होता है, जैसे कि इस तरह। अब अपने दरवाजे की मोटाई के अनुसार इसकी अतिरिक्त लंबाई काट दें। इसे डालने से पहले सुनिश्चित करें कि इस स्क्वायर होल कैविटी इस स्लॉट के साथ मैच हो रही है। अब इस स्क्वायर रॉड को इस स्क्वायर होल में इस तरह डालें। और सुनिश्चित करें कि स्क्वायर रॉड सही तरीके से लॉक है। यह L2 मॉडल का अंदर का पैनल है। यहां हमारे पास एक बैटरी केस,
हैंडल और हमें एक घुमाया जाने वाला बटन मिलेगा जो मोटाइज लॉक बॉडी पर चौथे डेडबोल्ट को सक्रिय करने में मदद करता है। पीछे की ओर हम वायर कनेक्टर और हैंडल एडजस्ट मैकेनिज्म देख सकते हैं। लॉक का हैंडल आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं हाथ दाईं हाथ के हिसाब से एडजस्ट होता है। इसके लिए हमें यहां इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के साथ यह स्क्रू खोलना होगा। अब हैंडल को उल्टी दिशा में घुमाएं और इसे स्क्रू करें। अब हम घुमाने वाले बटन के लिए एक्चुएटिंग स्ट्रिप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें इस स्ट्रिप को इस कैविटी में इस तरह से डालना होगा। और इसे एक लॉकिंग पिन के साथ लॉक करना होगा। और इसके दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना होगा। और सुनिश्चित करें कि स्ट्रिप घुमाने वाले बटन से सही ढंग से लॉक हो गई है। अब हम दोनों पैनलों को दरवाजे पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पहले बाहरी पैनल ले और वायर को कैविटी के माध्यम से डालें। सुनिश्चित करें कि स्क्वायर रोड और लॉक सिलेंडर उसके स्लॉट के साथ मैच हो रहा है। और सुनिश्चित करें कि पैनल सही तरीके से रखा गया है। अब दोनों पैनलों के बीच वायर जोड़ें, जैसे कि इस तरह। और दरवाजे की कैविटी में अतिरिक्त वायर डालें। अंदर का पैनल रखने से पहले सुनिश्चित करें कि स्क्वायर रोड और इस लॉकिंग नॉब के स्ट्रिप दोनों मोटिस लॉक बॉडी के स्लॉट के साथ मैच हो रहे हैं। जैसे कि इस तरह। इन दो स्क्रू के साथ दोनों पैनल को फिक्स करें। इस बैटरी पैनल को इस तरह खोलें। अब इस डूम हेड स्क्रू को यहां और दूसरी स्क्रू को नीचे की ओर डालें। और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू फिक्स करेंगे। अब 4A एल्कलाइन बैटरीज को इस तरह से डालें।
अब बैटरी केस को बंद करें। हम देख सकते हैं कि हमारा यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक पूरी तरह से दरवाजे में फिट हो गया है। अब बाहरी पैनल स्क्रीन पर स्पर्श करके लॉक की सही कार्यक्षमता को सुनिश्चित करें। दरवाजे के भीतर और बाहर दोनों हैंडल को चेक करके सही कार्यक्षमता को सुनिश्चित करें और बटन को घुमाकर उसकी भी कार्यक्षमता को सुनिश्चित करें।